शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इच्छा मुझे माफ कर दो, वो नेवला मैं ही लाया था घर में। वो मैंने तुम्हें सांप बनते देख लिया ना, इसलिए मैं डर गया था। अरे अप्पू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सांपों की तो छवि ऐसी है, इंसानों को लगता है कि हमारा चाल चलन ही खराब है। चलो चाल का तो माना कि हम आड़ा टेढ़ा चलते, लेकिन चलन भी सबको खराब लगता है। और तो और, हम जमाई लेने के लिए भी मुंह खोले ना तो इंसानों को लगता है कि हम डसने आ रहे हैं। जमाई? ओ, पर अब मैं समझ गया कि तुम डैम गुड वाली सांप हो। डैम गुड? बहुत अच्छी, जिसकी चाल भी अच्छी है और चलन भी। अब मैं दादी को भी बता दूंगा कि तुम गुड वाली सांप हो, ताकि वो तुम्हें घर से ना निकाले। तुम चिंता मत करो। वो तो वैसे भी नहीं निकालेंगी, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इच्छा, मैंने दादी को सुबह सब कुछ सच बता दिया था तुम्हारे बारे में। क्या बताया? मैंने दादी को बता दिया था कि तुम नागिन हो। क्या बताया था छोरा? दादी, अरे जाता काहे, रुक तो। दादी, अच्छा तुम, यानी कि तुम्हें मुझे दादी बनके मिलने आई थी? हाँ, मैं तो किसी का भी रूप ले सकती हूँ, क्योंकि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इच्छाधारी नागिन नहीं, इच्छा प्यारी नागिन हो। अच्छा, अब तो तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे ना? लेकिन एक शर्त पे। क्या? जब भी आज से मम्मी मेरे को दूध देगी तो दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार होती हूँ। लेकिन अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना तो पहलवान नहीं बन पाओगे। ओ, तो एक काम करेंगे, आधा आधा पियेंगे, 50-50। अरे मार नहीं रहा हूँ इच्छा, इसे कहते हैं हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। तुम इंसानों के भी बड़े अजीब चोचले होते हैं। वो तो होते ही है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारा घर किधर है? नागिस्तान में। नागिस्तान? ये नागिस्तान पाकिस्तान के बाजू में आता है अफगानिस्तान के? तुम नहीं समझोगे, हमारी दुनिया ना बहुत अलग है। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या बात है, आज बड़ी पूछताछ कर रहा है। अब हम दोनों दोस्त बने तो एक दूसरे के बारे में जानना तो बनता है ना। बिल्कुल, वहाँ मेरी माँ है, पिताजी है और बहुत सारे दोस्त हैं नागिस्तान में, तुम्हारे जैसे शैतान। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। देखा, अब इंसानी बस्ती में तू भी प्रसिद्ध हो जाएगी। इच्छा तेरे बारे में बता रही थी। हाँ, अब जिसके बारे में कुछ बताने लायक होता है उसी के बारे में बताया जाता है ना। अब वो बताएगी तो तुम्हारे बारे में क्या बताएगी? कि उसके पिताजी पूरा दिन उसकी माँ को परेशान करते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन समाज के। अरे सिपली, क्या दुश्मन, मेरे तो कुछ बस मंत्र गड़बड़ हो जाते हैं। बाकी तो मुझसे बढ़िया नाग नहीं यहाँ। अच्छा शेशु, मेरा मतलब मुखिया जी को छोड़कर। अच्छा, केवल इनको छोड़कर? मेरा मतलब मुझे कोई प्रयोग करना, मैं आ रहा हूँ, चलिए। शेशु नहीं, नहीं, नहीं शेशु। माता पिता, अरे मैंने तो इस लड़की की घनी चिंता हो रही है। यारदास जाने के बाद ये तो अपने माँ बाप को याद करके रो भी ना सकती। मैं तो कहती हूँ अखबार में इश्तिहार छिपवा दो कि इस छोरी के माता पिता को ढूंढ के लेके आने वाले को इनाम दिया जाए। ना, सही कह रही हो। पच्चीस हजार का इनाम रखेंगे। अरे पिताजी, पिताजी, मैं क्या कहता हूँ, आप क्यों नहीं इस लड़की को अपना लेते? एक तो आपको बेटी मिल जाएगी, ऊपर से घर बैठे 25,000 रुपए। वैसे भाभी का आइडिया सही है, अखबार में इश्तिहार देते ना गुमशुदा का। अरे नाना, ये शादीशुदा ना है, और शादीशुदा हो भी तो हमें क्या पता। अरे इसका अखबार में गुमशुदा का इश्तिहार दे दो, कम से कम माँ बाप तो ढूंढ लेंगे। भाई सबकी कोई जरूरत नहीं है।
हम आ गए अपनी प्यारी छोरी को लेने। आप लोग कौन है? मेरी बेटी रिया है। हाँ, ये लोग कौन है? मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। ए छोरी, तुझे कैसे पता कि थारे माँ बाप ना है? नहीं, इसने कहा ये नहीं पहचानती, ये इसके माता पिता है ना इच्छा जी? मेरा यही मतलब था। छोरी, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, कब से? दादी, इनकी तो याददाश्त खुद गई भी है, इन्हें खुद नहीं पता कि इच्छा को कब से ढूंढ रहे हैं। आप लोग तो कब से ढूंढ रहे होगे ना इसे? रिया, पिता मुझे पता है तेरी याददाश्त चली गई है, पर तू चिंता नहीं कर, घर चल, वहां तुझे सब याद आ जाएगा। बहन जी, इसको भी साथ लेके जाओ, इसकी भी याददाश्त फेल है, लेके जाओ। क्यों? अजी, मैं कह रहा हूँ इसको घर ले जाओ, वहां जाके सब याद आ जाएगा इसे। भाई साहब, मैं अभी कब से यही बोल रहा हूँ, ये हमारी छोरी है, हम इसे लेने आए हैं। धन्यवाद आपका, चल छोरी। अरे ना 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 जी, ना हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। अरे ऐसे आइडिया तो मैं हजार देता रहूं गांव में। कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा ऊंचा सुनता है। ओहो, अच्छा जी, चलो चलो हम तो चलते हैं। रुक जाओ। आपके पास क्या सबूत है कि आपकी छोरी है? ये क्या कह रही हैं आप? आप एक मां की ममता पे उंगली उठा रही हैं। बहन जी, शुक्र बनाओ कि मां ने उंगली उठाई, हाथ नहीं उठाया है। चुप कर। देखो जी, छोरी की याददाश्त चली गई है, आप तो इसे ले जाओगे, और कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? माना ये आपकी बेटी है, लेकिन इसका कोई सबूत तो देना पड़ेगा ना, कोई बातचीत, कोई व्यवहार, कोई निशानी। हाँ है, रिया की पीठ के पीछे दाईं तरफ कंधे के नीचे एक तिल है। ममता, देख तो। हाँ जी, तिल तो है। अच्छा, इतनी सी बात थी, ले जाओ छोरी को। आज फंसी है इच्छा मेरी जाल में। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा बहुत कुछ बना सकती हूँ, समझा? सोचो, अगर तुम्हें नागमणि मिल जाए तो तुम्हें बस एक नागिन को वश में करना होगा, बस। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे पकड़ने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चल छोरी। हाँ चल छोरी। एक मिनट अंकल। बड़ी दादी, हम इच्छा को एक दिन और नहीं रख सकते, प्लीज। सही कह रहा है अप्पू, आप एक दिन रुक जाइए ना। ना जी ना, हमने घनी दूर जाना है, टाइम को नहीं मारे दोरे। चल छोरी, चल चल। ओ जी, जाना तो सबको एक दिन है जी, तो क्यों ना एक दिन रुक के चले जाओ। हाँ, रह जाओ ना। लेकिन जी, हम तो बस, जब सब कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाओ। प्रबल,
इन्हें दूसरे वाले मेहमान खाने में ठहरा दो। अरे दादी, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें थाने ले जाना पड़े? अरे इन्हें तो दूसरे मेहमान खाने में ले जाना चाहिए ना। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ। सबल, जाके इन्हें मेहमान खाने में ठहरा दे। हाँ दादी। चलो जी, जाइए जी, जाइए, आराम करिए। मैं नाच नहीं रहा था, अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इच्छा को अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं। मुखिया जी, इंसान तब झूठ बोलता है जब उसका कोई फायदा होना हो। लेकिन इच्छा को अपनी बेटी बताकर उनका क्या फायदा होगा? उन्हें जब अपने नागपाश में लेंगे ना, तब पूछेंगे उनसे। चलो। जय नागोमी देव। वैसे आप करते क्या हो जी? जी हमारे खेत हैं और जमीनें हैं। अच्छा? हाँ, और इतनी जमीनें हैं कि अगर सुबह गाड़ी लेकर देखने निकलेंगे ना, तो भी शाम तक देख नहीं पाते। हमारे पास भी जी एक ऐसी गाड़ी थी, खटारा। उछलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। बेच दी जी। यो क्या है? ये तो जादूगरों के पास हो गए है। जादूगरों के पास नहीं, सपेरों के पास हो गए। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? सपेरे हो तुम? बावड़े हो गए। हा? दुकानदार सारे बावड़े हो गए। मैंने उनसे मांगी थी सोयाबीन और उन्होंने थमा दिए सांप की भी। कोई नहीं जी, मिल गया होगा कोई भुलक्कड़ दुकानदार। वो सब छोड़िए, आपका सोयाबीन का कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा। हमें घर पे बता देना चाहिए कि तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। देखो, इन सबसे तुम्हें सिर्फ दांधी ही बचा सकती है। और फिर मुझे उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचने के लिए तो मुझे नहीं सच बताना पड़ेगा, और फिर सच बताकर तो मुझे वापस नागिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम तुम्हारे असली माता पिता यानी अंकल आंटी से मदद क्यों नहीं मांगती? हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी उनसे मदद मांगती हूँ। अरे क्या कर रही हो, फोन करो ना उन्हें। हमारे वहाँ फोन नहीं होता, फन होता है। इस सिचुएशन में तुम्हें फन सूझ रहा है? अरे फन, नाग का फन, जिससे हम संकेत बिचौलिया तक पहुंचाते हैं और फिर वो हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझा? बिचौलिया? You mean mediator? वो है कहाँ? इधर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर। इंसानी रूप में नहीं आ सकते थे? अरे इंसानी रूप में गर्मी बहुत लगती है ना। इंसानी बस्ती में आयो तो घूमना पड़ेगा धूप में, कुछ दिन तो गुजार लो इंसानी रूप में। खत्म? नहीं, पानी खत्म, इसे तो होश आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें देख के कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए वो। गया वो? हाँ। तुम्हारे माता पिता आएगी नहीं? आएंगे शायद, लेकिन थोड़ी देर में। उनसे तो प्लीज कह देना कि इंसानी रूप में ही आए। कौन आया? काफी खुश लग रही हो तुम? हाँ। चलो अच्छा है, तुम्हारे माता पिता आ गए। जी, ज्यादा ही जल्दी आ गए। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? बहुत दिनों से कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और अब तुम चली जाओगी तो फिर शायद कभी मौका मिले भी ना। तो फिर कह दीजिए ना। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था मेरी जान बचाने के लिए, सो थैंक यू।
अरे बस यही कहना था और कुछ नहीं कहना। और कुछ भी है वो दादी कह रही थी कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे माता पिता के साथ एक फोटो लेने ताकि याद बनी रहे। हाँ चाचू इच्छा के साथ फोटो तो मैं भी खींचूंगा, पहले आप दोनों की खींच दो। नहीं फोन दीजिए। साथ में लेंगे ना? अरे साथ में तो ले लेंगे, पहले आप दोनों की खींच लेता हूँ ना। अच्छा थोड़ा पास आओ ना। अरे चाचू आप भी थोड़ा पास आइए। स्माइल कीजिए स्माइल। परफेक्ट। तो फोटो देगा? अरे फोन मत गिरा ना। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ तुझे? बहुत खराब है ये, डिलीट कर दी। तो एक और ले लो ना। अरे नहीं नहीं सब लोग साथ में ही खींच लेंगे। अरे फोटो देगा गिरा मत फोन। चाचू चाचू अरे फोन तो दे वापस। अरे जाइए यहाँ से, बाद में दे दूंगा जाइए। क्या हुआ अप्पू तूने फोटो क्यों नहीं दिखाई? तूने पहले कभी फोटो खिंचवाई है? नहीं। क्यों नहीं खिंचवाई ना? ये देख सफोली। इच्छा के बाबू जल्दी अंदर चलिए। जल्दी का काम नेवलों का। मैं इच्छा की मदद यहीं से कर सकता हूँ। आखिर किस दिन काम आएगी? क्या मेरी सिद्धियाँ? नहीं आप अपनी सिद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती। सीधा अंदर जाएंगे, झूठे माँ बाप को पकड़कर उनसे बात करेंगे। अरे रुको पागल मत बोलो सिपली। हम अंदर जाएंगे तो उनको अपने बारे में क्या बताएंगे? इच्छा की मुसीबत बढ़ सकती है, हमें इच्छा की मदद यहीं से करनी होगी। मेरा विश्वास करो मेरी सिद्धि इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगी। बेटी जाने वाले को कौन रोक सकता है, मगर अब तक तू जा रही है ना तो वहां जाके अपनी याददाश्त का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि याददाश्त भूलने से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और ना तू सांस लेना मत भूलना, ठीक है? बेटे अपना ख्याल रखना, अगर कभी कोई दिक्कत आए तो अपने इस खड़क अंकल को याद कर लिए, और बातें ठुकवानी हो तो अपनी इस चंचल आंटी को याद कर लिए। अगर याद आए तो ठीक है। चलो चलो फोटो भी तो खिंचवानी है। आ नहीं 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 हमें फोटो नहीं खिंचवानी। मेरा मतलब है कि आप लोग जाइए हम आते जी जी। अरे बेटा सब साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं हम अंकल आंटी को वेट कर रहे हैं, उन्हें तो आने दीजिए। उन्होंने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें नहीं जाना है। आप लोग जाइए जाइए आते हैं। ठीक ओम बर्नियम प्रकटम। अब देखना मैं अपनी बेटी को खुद की बेटी कहने वालों को कैसे इन बर्नियों में बंद करता हूं। ओम दुष्टम पापम हरनम मेंढकम कर्णम तर्पम तर्पम शीघ्रम प्रकटम। टर 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 टर। जल्दी बंद करो। देखा सिपली कैसे इन दुष्टों को मैंने अपने जाल में फंसा दिया। चलो इच्छा को कहते हैं कि कैसी उसकी मुसीबत मेंढक बनकर डर रही है। अब ये इसे डरा नहीं पाएगी। हाँ
आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बर्नी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बर्नी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तुम लोग यही हो? अरे फोटो खिंचवानी है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं दादी। जल्दी चल। जी दादी, बस आ ही रहे थे। चल अप्पू। अरे अच्छा, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? अरे अप्पू, जब माता पिता है ही नहीं तो फोटो कैसे खींचेंगे? भूल गई? ओह, ये क्या था? हमारी भाषा में बाय। ओ साइड में थोड़ा, वही अंदर अंदर। हाँ भाई, सब ठीक है। भाभी अंदर, ये हाथ तो रखो, स्माइल स्माइल। हाँ ओके, रेडी एवरीवन? परफेक्ट स्माइल। अरे दादी, अगर इच्छा के मुंह में कोई है ही नहीं तो फोटो किसके साथ खींचेंगे? लो आ गए। लो आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बर्नी। अगर ये लोग यहाँ है तो अंकल आंटी मेंढक बना के किसे लेकर गए? आइए आइए। स्माइल, थोड़ा अंदर। हाँ। अरे बबल, सब लोग तो यहाँ हैं, तो खड़क और चंचल कहाँ हैं? अरे बबल, चुप। मारे पीछे पीछे ना बोलियो, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तारे माँ बाबू जी कहाँ हैं? अरे ना दादी, मैं वो ना कह रहा, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। भैया जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो। जा जाके तारे माँ बाबू जी को बुला ला। ठीक है। सबल। हाँ दादी। इसके ऊपर मैंने जरा ही भरोसा ना है, तू जा इसके पीछे। अरे बबल भैया, इतने हमारी फोटो खींच दो। अप्पू खड़े रहे। अप्पू। अरे सीधा रहे। अरे दादी, वो माँ बाबू जी ना मिल रहे पूरे घर में। मैं पूरा घर ढूंढ लिया दादी, कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे? तुम लोगों से कोई काम ठीक से ना हो, मैं देख के आती हूँ। चलो देखते हैं। अरे बस बस एक रात की ही तो बात है, फिर तो हमारी बेटी हमारे साथ होगी, वो भी हमारे घर पे। तू जी माँ, पिताजी, माँ, बड़ी माँ, दादाजी, कहाँ है ये? देखा नहीं, चल इधर देखते हैं। इच्छा, इसका मतलब कि बड़ी माँ और दादाजी मेंढक बन के नागिस्तान पहुंच चुके हैं। तो चिंता मत कर, मैं वाकू से अभी संपर्क करती हूँ। लगाओ उसे अपना वो फोन कॉल, और प्लीज उसे कह देना कि इंसानी रूप में ही है। हाँ हाँ,
ये वाकू कहाँ चला गया? वैसे इच्छा, ये मेंढकों के साथ नागिस्तान में क्या किया जाता है? यही सजा थी इनकी, उल्टे काम करने चले थे, अब खुद उल्टे लटके पड़े हैं। शाबाश शेशु, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मुखिया जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो आज से तुम्हारे दाहिने हाथ का इस्तेमाल बंद। मैं यूं गई और यूं नहीं लेकर आई, जल्दी आना इच्छा। क्या हुआ? बाहर नेवला है। अरे तू क्यों डर रहा है? नागिन तो मैं हूं, तू चिंता मत कर, कहीं और से निकलते हैं, है ना? मैं यहां से बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ भी नेवला है, इनके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकती। तुम दादी का रूप लेके बाहर क्यों नहीं चले जाती? नहीं नहीं, नेवले इच्छाधारी नागिन को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं, लेकिन ये हर तरफ नेवले नेवले कहाँ से आ गए? सपेरों ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है, आज इच्छा बच के जा नहीं पाएगी यहाँ से। अब क्या होगा? कहीं बड़ी माँ और दादाजी को कुछ हो गया तो? नहीं अप्पू, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागोमी देव ने कहा है, जहां कुछ कामना है वहां सच काम आता है। अरे दादी, दादी पूरा गांव छान मारा, माँ बापू कहीं ना मिल रहे। अरे तो ये दोनों गए कहां? अरे दादी दादी दादी, ये तो देखो संजोग की बात है, पहले इच्छा के माँ बापू ना मिल रहे थे, अब मारे ना मिल रहे। अरे चुप कर, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। कहाँ हैं वो दोनों? वो दोनों मेंढक बन गए हैं। मेंढक? अरे यो क्या कह रही है छोरी? या यो कह रही है हमारे जो माँ बापू है ना, वो मेंढक बन गए हैं। देताली, यो पागल हो गई है छोरी। ए छोरी, तू होश में तो है? ये तू कह क्या रही है? दादी, मैं सच कह रही हूँ आपसे, और आगे जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उस पर तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। थारी पिछली बात पर भी विश्वास ना हुआ था। पूरी कहानी सुनाने से पहले मुझे आप सबको अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। मुझे पता है कि सच बताकर मैं बहुत कुछ खो दूंगी, लेकिन अब मैं आप सबसे नहीं छुपा सकती कि मैं कि मैं रोज रात को सारा रसोई का दूध पी जाती हूँ, यही ना? अरे तुम दोनों थे का? माँ, हम तो कमरे में थे, आंख लग गई थी, अब जब आंख खुली तो। अरे कमरे में तो ना थे तुम दोनों। माँ जी, हम तो कमरे में थे, कसम से। सच्ची? अरे बंद करो अपनी टर्टर, छोरी के मजाक में उसका साथ दे रहे हो ना? माँ, ये तो अपने आप हो। घड़ी रात हो गई है, कमरे में जाके एक दूसरे को सुनाओ अपनी टर टर। चंचल चल देखते हैं कमरे में पहले कौन पहुंचता है। अरे हटो।
चुके हो। शेशु और सिपली के जाने के बाद भी जब मैंने नकली माँ बाप को देखा, मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने नागिस्तान संदेश भिजवा दिया था। थैंक यू वाकू। अव्वल दर्जे के जाहिल सांप हो तुम शेशु, तुमसे अच्छा तो मैं नेवला पे विश्वास कर लेता। नागोमी देव की कृपा थी जो वाकू ने समय रहते हुए हमें सब कुछ दिखा दिया, वरना तुम्हारे इस उल्टे हाथ के खेल ने सब कुछ उल्टा कर दिया होता। मुखिया जी, मैंने तो इन्हें मना भी किया था, लेकिन ये एक तीर से दो निशाने लगाने चले थे। सिपली वो छोड़ो, बला अभी तक पूरी तरह टली नहीं है। घर के अंदर सफेरे बैठे हैं और घर के बाहर नेवले। पिताजी, हम इच्छा को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम वहां जाकर उन सभी नेवलों पर हमला करते हैं और इच्छा को वापस ले आते हैं। वैसे भी आप सबने देख ही लिया है कि इच्छा के बस की बात नहीं है इंसानों का हृदय परिवर्तन करना। और शेशु जी, आप इच्छा को जितना आप समझदार और बहादुर समझते हैं ना, वो उतनी है नहीं, तो इसलिए वापस ले आइए उसे। नहीं, इच्छा मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो इस समस्या से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। हम में से कोई भी नहीं जाएगा उसकी मदद के लिए। अरे सिपली, पागल हो गई हो क्या? इच्छा की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नागोमी देव करेंगे। इच्छा अपना ख्याल अच्छी तरह से खुद रख सकती है, मुझे पूरा विश्वास है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कूदते हुए आए हो, थक गए होगे, पानी पी लो। मन्ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पानी ना पी के मैं इसमें छलांग लगा दूं? तुझे भी ऐसा लग रहा है कि टर्र टर्र? हाँ, मेरा भी मन कर रहा है इस ग्लास में छलांग लगाने को, मगर मैं पानी के ग्लास में छलांग नहीं लगाऊंगी। कल को मेरा बाल्टी में छलांग लगाने को मन करेगा और परसों नदी में छलांग लगाने को मन करेगा, टर्र टर्र, मगर मुझे तो तैरना ही नहीं आता। टर्र टर्र टर्र। अच्छा, दादी दारू की टर्टर कब तक चलेगी? शुक्र है कि टर्टर ही चल रही है, कहीं कुछ और। खैर छोड़ो, मुझे पता है ये मंत्र का असर ना 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नकली माँ बाप का मामला कब तक चलेगा? वो लोग तो तुम्हें लेकर चले जाएंगे, घर में किसी को उन पर शक भी नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी भी तरह इस घर से भाग जाओ। अप्पू, अगर आज मैं इस घर से भाग गई ना, तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं मुसीबत का सामना करूंगी। और तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं इस घर में क्या पाना है? साथिया, साथिया, मेरे साथिया। प्यार। प्यार? हाँ, मेरा मतलब है आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। क्या बात कर रही है ममता, तू अप्पू का विश्राम इंडिया देखना बंद कर दे, ये वो छोरी के माँ बाप भी शक कर रहा है। अरे दादी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सावधान कर रहा हूँ। वैसे दादी, अप्पू की बार मानने में कोई बुराई भी नहीं है, मैं कल सुबह ना दरोगा जी को लेके आऊंगा। अरे अभी तो नवरात्रे में कितने दिन हैं, अभी से लाके के करोगे? हे माता रानी, ये दरोगा को दुर्गा समझ रहा है। प्रबल भाई, हम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। दुर्गा दुर्गा नहीं, दरोगा दरोगा। दरोगा जी को बुलाएंगे, इच्छा को उसके माँ बाप के साथ उसके घर तक छोड़कर आएंगे। ये पढ़ो यार तुम। पुलिस आ गई ना तो पोल खुल जाएगी, हमें आज रात को इच्छा को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नागमणि के इतना पास पहुंच चुके हैं, अब हम उसे खो नहीं सकते। जल्दी से ढूंढो उसे और चलो यहाँ से, समझे? चल चलो चल। अरे इच्छा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माँ बाप जेल जाएंगे। लेकिन तू और मैं जानते हैं ना कि मेरी याददाश्त नहीं गई है,
जो तो पता है मेरे माता पिता कौन है, पुलिस वाले के सामने थोड़ी ना सच बोल सकेंगे। इच्छा, बोलने की छोड़ो, भागने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों वाकू, ऐसा क्या हुआ है? वो तुम्हारे नकली माता पिता। अरे हाँ हाँ पता है पता है, कल वो इच्छा को ले जाने वाले, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माता पिता जेल जाएंगे। वो सपेरे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद उनके मुंह से सुना, वो इच्छा को यहाँ पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि इच्छा नागिन है? सवाल जवाब का समय नहीं है इच्छा, तुम यहाँ से निकलो वरना वो रात में आके तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। अब क्या होगा इच्छा? पता नहीं, पर जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें उन सपेरों के इशारों पे नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाचना तो पड़ेगा ना इच्छा, बीन उनके पास है तो उनकी ही मर्जी चलेगी। चुप कर अप्पू, हम नागिन बीन पर नहीं नाचते। तो जब सपेरे बीन बजाते हैं तो सांप नाचते क्यों है? अरे वो घूमती बीन के साथ सर हिलाता है, जिसे देखकर हमारा भी सर घूमता है। तो फिर वो तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारी शक्तियां पाने के लिए। हाँ? अच्छा आप तो एक ही रास्ता है क्या अप्पू? इच्छा में आखिरी पास्ता है। हाँ? मेरा मतलब है मेरे पास एक रास्ता है। चलो इच्छा चलो। जल्दी ढूंढो उन्हें। ऐसा करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ, ठीक है? ओहो, क्या करते हो? जंगल। मैंने क्या किया? अरे क्या करें? भाग जा! इच्छा भाग, भाग! बस छोरी, बहुत हो गया। तू हमारे साथ चलेगी अभी के अभी। नहीं, वाको से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, वहाँ पर क्या चल रहा है मालूम नहीं। मुझे इच्छा की मदद के लिए जाना ही होगा। शेषू जी, कुंडली मारकर बैठ जाइए, मैं जाती हूँ। नहीं सिपली जी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या पता इच्छा ने कोई तरकीब निकाली हो और हम लोग वहाँ जाकर उसकी तरकीब को खराब कर दें। इससे इच्छा की जान को खतरा भी हो सकता है। गुरु जी क्या करें? विश्वास इच्छा की काबिलियत पर और नागोमी देव के आशीर्वाद पर। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। सब गए, चलो अब जल्दी। चल चल। इच्छा इच्छा इच्छा। चौकीदार क्यों बना हुआ है यहाँ पे? अरे अप्पू तो रो क्यों रहा है, क्या हो गया? वो लोग इच्छा को लेकर चले गए। कौन लोग? उसके मम्मी पापा।
तो ले जाने देना, माता पिता है उसके। अगर वो माता पिता है तो कल ले जाते ना, लेकिन वो आज लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। मैंने कहा था ना सावधान रहने को। स्वाहा, अब हमें जल्दी से वशीकरण पूजा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें जैसा चाहिए कि नागिन वही करेगी। लेकिन जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए इस बेचारी को वश में करने की क्या जरूरत है? हमारे ये दो हाथ है ना, मेहनत करके कमाएंगे। अरे पगला गए हो क्या? पहले तो कहते थे भगवान ने आंखें दी खाना देखने के लिए, मुंह दिया है खाना खाने के लिए, और हाथ दिए उस खाने को मुंह तक ले जाने के लिए, और पैर हमें फैल के सोने के लिए दिए। अब ये काम का भूत कहां से सवार हो गया तुम्हें? मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम पूजा शुरू करो। स्वाहा, अप्पू या तो दो रास्ते हैं। इच्छा! 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 चाचू को बता दूं इच्छा कौन है? लगता मैं पुलिस केल पे नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं चाचू ने पुलिस को बता दिया तो? ओ चाचू नहीं, जब तक पुलिस आएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक, ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक। क्या है ये मंत्र? काम तो करेगा ना, मुझे शक हो रहा है। अरे तुम चुप रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। नागिन को वश में करो और घी डालो यहाँ पे। ये आग में घी डालने का काम तो शगुनी मामा जैसे लोग किया करते थे। मैं ठहरा सपेरा, मुझसे बीन भजवा लो। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। हैरान मत होइए, जब आपके पति पकड़ने आए थे तब। अब तुम्हारे साथ चलेगी अभी के अभी। बाकू कहाँ रह गए थे? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कब से तैयार हूँ बोलो। मैंने तुम्हारे आदमी को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है, होश आते ही वो घर चले जाएंगे। अप्पू, आवाज यहां से आ रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। बचाना तो था ही, चाहे जिस वजह से ही सही। बेटी कहा था ना आपने? बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। हमें किसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, और तुम्हें वश में करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम बस उसी लालच में आ गए, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपके यहाँ ही कहते हैं ना कि गलतियां इंसान से होती है, लेकिन अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। और आपकी आंखों में आंसू देखकर पता लग रहा है कि आपको पश्चाताप हो चुका है। इच्छा! 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 तुम ठीक हो ना? इच्छा,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे हम लोग तो मामूली सपेरे हैं, हमें किसी ने इस लड़की के बारे में बताया था। क्या बताया? हे नागोमी देव, अब तो ये बब्बल जी के एक थप्पड़ में सब कुछ सच बोल देगी। बोलो। मैं बताती हूँ, हमें कामवाली चाहिए थी, और आपको तो पता ही है आजकल कामवालियों के नखरे उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में जब हमें इस बिना याददाश्त वाली लड़की के बारे में पता चला तो हमें लगा अब कामवाली के नखरे और तनख्वाह दोनों से छुट्टी। ये सब पूजा वूजा क्यों? हाँ, क्या ये सब? अरे वो हमने सोचा पूजा करके इसके दिमाग में हम ये डाल देते कि हमारी बेटी है, ताकि आगे ना कोई परेशानी हो और इसमें हमारा हक रहे। अब पुलिस तुम भी हक जमाएगी और वही रखेगी तुम्हें। बबल जी रहने दीजिए ना, ये बेचारे अपनी काम वाली से इतने परेशान है। इन्होंने मुझे बताया कि ये कैसी कैसी काम वाली लाए और उन्होंने इनका इतना नुकसान कराया। इन्हें सजा की नहीं सांत्वना की जरूरत है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। बबल जी मुझे बचाने आए, मतलब ये भी मुझे। अब स्माइल करती रहोगी? हाँ चले चलो। कितना मोटा है तू? मोटा मत बोलो, खाते पीते घर का हो ना इसलिए। अच्छा बता क्या बताने आया है? आज मैं बहुत डर गया था। क्यों? अरे अगर मैं और चाचू आज टाइम पर ना आते तो वो सपेरे तो तुम्हें पिटारे में बंद करके ले ही जाते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हाँ अगर वो मुझे ले जाते तो आज मैं चैन की सांस नहीं बीन पर डांस कर रही होती। वैसे अगर आज वो मुझे ले जाते तो तुझे मेरी याद आती? अब तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? अच्छा तुम्हें पता है इतने कम समय में तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। और तू भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और वैसे भी तू ही तो है इस घर में जो मेरी सच्चाई जानता है, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू मेरा राज कभी किसी को नहीं बोलेगा। बोला तो था पर किसी ने यकीन नहीं किया। अच्छा तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अप्पू मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस इंसानी बस्ती में तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूं। वैसे इच्छा मुझे आज पता चला तुम्हारे दिल सच में बहुत बड़ा है। उन सपेरों को माफ करके चाचों से जैसे तुमने उनकी जान बचाई वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। उन सपेरों ने तुम्हारे से इतना बुरा किया और तुमने उन्हें एकदम से माफ कर दिया। अरे अप्पू गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन उन्हें सजा नहीं बल्कि मौका मिलना चाहिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना करें। और वैसे भी प्यार के साथ रहने में जो मजा है वो सजा में कहा। इसलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और तुझे पता है मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ क्या करती थी? क्या? अब मैं जो करती हूँ वो तू कर, ठीक है? ये हाथ, ये हाथ। अच्छा हुआ बबल तू सही समय पर पहुंच गया, वरना छोरी गलत हाथों में पड़ जाती। हाँ माँ ठीक कह रही, एक तो छोरी की याददाश्त ना है और ऊपर से नौकरानी बना के ले जा रहे थे। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, अगर वो लोग इसे ले जाते तो ये तो दूध का ना पूछा लगाती और फिनाइल की चाय बनाती, और जब ये फिनाइल की चाय उन लोगों को पिलाती तो उन सबकी तबीयत खराब हो जाती, और जब उन सबकी तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता,
और जब वो अस्पताल जाते तो वो दर्द के मारे इतना चीखते, ऐसे ही चीखते। हे नागोमी देव, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? प्रबल, जल्दी से लट ले करा। हाँ, नहीं दादी, मैं आपको नहीं काटूंगी मेरी। अरे तू नहीं काटेगी, पर जो तेरे पीछे है वो तो काट लेगा। अरे हट वहां से। अरे बावड़े, वो सांप तेरी ऐसी बात सुनेगा क्या? अरे पिताजी, मैं इच्छा से कह रहा हूँ। अरे पीछे आ। अरे प्रमा, जल्दी से लट ला। दादी, लो दादी। अरे ये लटका मैं क्या करूंगी, सांप अंदर कमरे में है। अरे लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सांप अंदर कमरे में है इसलिए यहाँ है। दादी लाओ, मैं अंदर जाता हूँ। हटो ऐसे। नहीं नहीं नहीं, बबल जी रहने दीजिए ना, वो नहीं काटेगा। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ, वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। रे छोरी, तू ये सब कैसे जानती है? वो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है, आप लोगों ने देखा था ना उस दिन बब्बल जी के अंदर से जहर मैंने कैसे निकाला था। सही कह रही है ये। वैसे भैंसों के बारे में भी तुझे पता है के? अरे वो हमारी जो भूरी भैंस है ना, अरे बहुत सींग मारती है, अगर उसका कुछ हो जाए ना। चाप खड़ा रहे। तू सही कह रही होगी, लेकिन घर में सांप है तो उसे मारना तो पड़ेगा ही। लेकिन दादी जी, आप अंदर ऐसे मत जाइए, क्या पता वो कहीं से निकल के किस पे हमला कर दे। इसलिए बाहर खड़ी रहिए और उसका इंतजार कीजिए। हट जाओ दादी, तू थक जाएगी। ले बैठ दादी। अरे हट। ये लोग इस सांप को मार देंगे तो मेरे अभियान का क्या होगा? मैं नागिस्तान में क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मुझे कुछ करना ही होगा। भाई साहब, आप क्यों आए इस घर में? अभी सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती कहावत सच कर देते आप। आप कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और यहाँ मैं इंसानों को समझाने आई हूँ कि हम नाग इतने खतरनाक भी नहीं होते जितना ये सोचते हैं। तो अभी तक समझा नहीं पाए क्या? इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं थोड़े वक्त बाद ही आऊंगा, चलता हूँ। रुको रुको रुको, देखो अब इन इंसानों के दिमाग से सांपों का डर निकालने के लिए तुम्हें मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्होंने मुझ पर हमला किया तो मेरी मदद कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना, तुम्हें बस करना ये है कि उनके सामने एकदम शांति से उसी कमरे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। मैं यहीं से शांति से निकल जाता हूँ ना। नहीं नहीं, उनके सामने निकलोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सब पूरे जीव नहीं है। चलो अब तुम अंदर जाओ, और जब मैं इशारा करूंगी तब बाहर आ जाना। ठीक है। अब मैं जाती हूँ। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? अरे देख सबल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सांप पकड़ में आ जाए। लेकिन कैसे? अरे सोच कुछ। भैया हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना सांप को ना भरपेट खाना खिलाएंगे। हाँ। वो धीरे चलेगा। हाँ। और हम दौड़ के उसे पकड़ लेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर एक दिक्कत है। वो क्या? अगर सांप भागने की बजाय सो गया और हमने सोते हुए पकड़ा तो लोग कहेंगे कि सोते सांप का फायदा उठा लिया तुमने। और तुझे पता है हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का फायदा नहीं उठाया। बात तो सही है भैया आपकी, मैंने तो सोचा ही नहीं इतना। लेकिन फिर उसे पकड़ेंगे कैसे? एक तरकीब है मेरे पास। हैं? आज रात को सोते हुए सांप के ऊपर मोम रख देते हैं,
और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा वो मोम पिघल के उसकी आंख में चला जाएगा, उसे कुछ दिखेगा ना और हम जल्दी से सांप को पकड़ लेंगे। भैया एक सवाल है, भैया जब वो पिघलता हुआ मोम सांप की आंख में जाएगा उससे सांप की आंख खराब नहीं हो जाएगी? पता था तू ये पूछेगा। अरे छोटे उसकी आंख पे चश्मा लगा देंगे ना हम। कितनी दया आपके दिल में भैया। अरे कितनी है ये तो कभी चेक ना किया, लेकिन है बहुत। चल मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ। मोमबत्ती? वो क्यों? अरे सांप के सर पे रखनी है ना। चल जा अभी। ओ हाँ भैया, भैया एक सवाल ना, मुझे अंदर ही अंदर ना खाया जा रहा है। इंसान पीने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, सांप बिना पिए ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम सांप को पिला दें तो सांप सीधा चलेगा और सीधे सीधे हम सांप को पकड़ लेंगे। यो तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं फैला है? हर बार मैं गिरता हूं और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो, क्यों? जी गलती से हो जाता है। अच्छा, क्या तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालोगी? जी गलती फौरन से सुधार भी तो लेती हो। सांप! अबे पकड़ लिया। अरे मैंने पकड़ लिया। अरे वाह मेरे शेर, तूने सांप पकड़ लिया। हे नागोमी देव, भाई साहब की रक्षा करना। ए भीतर क्या कर रहा बहारा? अरे बावले, ये नाड़ा है नाड़ा। अरे दादी मैंने नाड़े को सांप समझ लिया। अच्छा हुआ ना कि तुमने नाड़े को सांप समझ लिया, अगर सांप को नाड़ा समझ लेते तो गुदगुदी हो जाती। आज इसने नाड़े को सांप समझा है, कल भैंस को दाढ़ी समझ लेगा, परसों गन्ने को बंदूक समझ लेगा, अम्मा जी पूरा गांव इसे पागल समझेगा। अरे बावड़े से बातें ठुकवा लो, पागल कर देगी हम सबको यो। अरे अब चलो, वहाँ बेचारा सांप अकेले कमरे में है, मतलब वो कहीं चला जाएगा। ए छोरे प्रबल और सबल की संगत से तू दूर रह कर बहुत बुरा असर पड़ रहा है तारे पर। अब चलो। अरे उठाओ। ध्यान से दादी, आप सब लोग बिना वजह सांप से डर रहे हैं। वो आप लोगों से मेरा मतलब है हम लोगों से डर रहा होगा। डर तो तुम भी रही हो, सिटी बज गई तुम्हारी। नहीं मैं तो सांप सांप। अब क्या देख लिया तूने? बोला अरे अभी तेरी गर्दन मरोड़ दे। वो खतरनाक है पिताजी। अरे मैं के कम खतरनाक हूँ, मैंने बहुत सांप देखे थे। नहीं दादी 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 रुक जाइए, देखिए वो तो खुद बाहर आ गया है। बेचारा कितना डरा हुआ लग रहा है, वो कुछ नहीं करेगा मेरा विश्वास करो, चुपचाप चला जाएगा। नौटंकी मत कर, निकल यहां से। देखा मैंने कहा था ना कुछ नहीं करेगा। अरे करा तो उसने। क्या? डांस। अरे वो तो आपसे मिले प्यार की वजह से खुश होकर किया होगा, अब आप लोगों ने प्यार दिया तो उसने भी दिया ना।
लेकिन वो नाच के क्यों गया है? अरे कहीं नागिन डांस का रिहर्सल करने तो ना आई हो हमारे घर? लेकिन वो सही कहा था इच्छा ने, खुद ही डरा हुआ था वो। लेकिन अरे बहुत सारा काम बाकी है, चलो चलो चलो। अरे ये तो है ही बावले, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये इच्छा सांपों के बारे में समझती कैसे है?